जब माता का बुलावा आता है ना तो 100 नहीं 1000 सीढ़ी ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तो आज माता का बुलावा है तो हम भी चढ़ रहे हैं। भाई चढ़ने से पहले चैलेंज कर रहे थे 1000 है ऐसी चढ़ लेंगे करके, चढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है। दोस्तों अभी हम ओड़गी आ गए हैं। ओड़गी से आपको ये बोर्ड मिलेगा, यहाँ से 5 किलोमीटर आपको अंदर जाना होगा। कुदरगढ़ की अगर दूरी की बात करें तो सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरजपुर से दूरी की बात करें तो सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कुदरगढ़ी माता के दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों से व दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर दोनों नवरात्रि में बड़े ही धूमधाम से और बड़े मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अगर आप कुदरगढ़ आते हैं तो यही एक दुकान है जहाँ पर आपको खाना मिलेगा। ये जस्ट गेट के सामने है, पुलिस चौकी के सामने। और यहाँ पर अगर आप नाश्ता करना चाहें तो नाश्ता के लिए आपको समोसा, वड़ा, गुजिया, लौंग लता और ये सब चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ से आप पूजा का सामग्री, बच्चों के लिए खिलौने, वो सब ले सकते हैं। तो ये यहाँ का मेन गेट है। अगर आप खाने का सामान लाते हैं तो सावधान रहें, भाई जो है अभी खाने के लिए लिए थे, छीन लिए हाथ से और खा रहे हैं। अरे तो डरा भी रहे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कैमरा छीन लेगा देख के। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और आज मैं आ गया हूँ सूरजपुर का कुदरगढ़ माता का मंदिर। यहाँ लगभग 1000 सीढ़ी है और जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ बिस्किट या एनर्जी ड्रिंक या चॉकलेट लेकर आएँ क्योंकि बहुत ही खड़ा चढ़ाई है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। ये है सरजू भाई। हेलो सरजू भाई, तो यही मुझे पूरा मंदिर घुमाने वाले हैं। साथ में प्रकाश भाई भी आए हैं जो आज चढ़ाई चढ़ेंगे, दर्शन करने चल रहे हैं ना। वहाँ पर पीने का पानी है, वो स्नान घर है, उस साइड टॉयलेट है। अगर आपको सुलभ शौचालय चाहिए तो जहाँ पर नारियल ये सब मिलता है उस टाइप से सुलभ शौचालय है। अस्वचालित सुलभ शौचालय भी नवरात्रि के टाइम पे आता है। तो हम अंदर चलते हैं और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे समाज का धर्मशाला बना हुआ है। तो यहाँ से एंट्री है, यहाँ से गेट है, यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर ये खुलने का समय है 4 बजे, मंदिर का पाट खुलने का समय है 5 बजे, माता का विश्राम का समय है 12:30 से 1 बजे, प्रवेश द्वार बंद होने का समय है 7 बजे, माता का कपाट बंद होने का समय है 8 बजे। तो इस तरह से खुलने और बंद होने का समय है। चलते हैं, जय कुदरगढ़ी माता। चलिए, तो सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, देख सकते हैं। कृपया बच्चों को दौड़ाकर सीढ़ी चढ़ने उतरने ना दीजिए क्योंकि खड़ा चढ़ाई है, थक जाते हैं, चक्कर वगैरह आ जाता है, इसलिए आराम से चढ़ें आप। देख रहे हैं किस तरह से खड़ा चढ़ाई है। मेरा जो बैग है वो भाई को दे दिया हूँ। हाथ पे भी चलते हैं क्या भाई? थोड़ा दूर पैर पे चल लेते हैं, थोड़ा दूर हाथ पे चल लेते हैं, पैर पे जोर कम पड़ेगा। अरे यार भाई, चढ़ने से पहले चैलेंज कर रहे थे 1000 है ऐसी चढ़ लेंगे करके, चढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है। हाँ,
जब माता का बुलावा आता है ना तो 100 नहीं हजारों सीढ़ी ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तो आज माता का बुलावा है तो हम भी चढ़ रहे हैं। और बंदर है तो बंदरों से सावधान, क्योंकि ये झपट्टा मारते हैं। कुछ भी खाने का सामान लाते हैं तो सावधानी पूर्वक रखें। दोस्तों पहले यहाँ सीधा सीढ़ी था तो यही वाला जो है भसक गया है, तो अब ये जो बना है वो नया है। और यहाँ से आपको झरना मिल जाएगा। चलिए झरना के पास चलते हैं और वहीं बैठेंगे। तो भाई फ़ोटो शूट करते हैं यहीं पर झरने के पास। दिखाओ तो भाई झरना के स्टेज में। हाँ हाँ अंदर गए यहाँ गुफा में। अच्छा बढ़िया भाई। तो यहाँ पे आते हैं तो फोटो शूट करा सकते हैं आप। और ये है वाटरफॉल। अभी तो पानी कम हो गया है और यहीं का पानी नीचे कुंड में जाता है और यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू होता है। चलिए चलते हैं। ये तो एकदम खड़ा चढ़ाई है भाई। चलिए हम ऊपर चलते हैं। कहाँ से आए भैया? हम लोग दीपका से हैं भाई। अच्छा कोरबा से? हाँ। कुदरगढ़ी माता के लिए? हाँ, कुदरगढ़ी माता दर्शन के लिए। दर्शन के लिए आए। अच्छा। दोस्तों बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मैं खुद भी बिलासपुर से आया हूँ यहाँ नवरात्रि टाइम, तो दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आते हैं। चलिए चलते हैं। और आगे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर विजय कुंड है और यहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं। देखने से लग रहा है गणेश जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और यहाँ से जस्ट नीचे में यहाँ पर विजय कुंड है। यहाँ पानी हमेशा इतना ही भर रहता है। 5 HP का जो पंप होता है ना उसमें से भी पानी निकालते हैं तो भी अटाता नहीं है, इतना ही पानी रहता है। देखिए एकदम साफ क्लीन वहाँ से पानी आता है और यहाँ पे स्टोर रहता है। यह है विजय कुंड और यहाँ से पानी होते हुए ये नीचे जाता है। दोस्तों हम अभी माता के मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर मुंडन होता है, यह मुंडन स्थली है। कुदरगढ़ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जय कुदरगढ़ी माता। यहाँ पर इस तरह का साइड बना हुआ है। दोस्तों अभी हम मंदिर के द्वार के पास पहुंच चुके हैं, मुख्य मंदिर के पास। लगभग 3 साल के बाद यहां पर आ रहा हूं। अभी भी यहां पर देख सकते हैं श्रद्धालु आए हुए हैं। तो चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहीं से जाएंगे ना भाई? देर आ चुके हैं, दर्शन करते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए जाना होगा। तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं माता का।
जय कुटा कठी माता, आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय कुटा कठी माता। मंदिर से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर बलि चढ़ता है और इस साइड में हवन कुंड है। यहाँ पर हवन कुंड है, यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। उधर गड़िंदाई की जय, उधर गड़िंदाई की जय, उधर गड़िंदाई की जय। तो अभी बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं कोरबा से। दोस्तों मंदिर पूरा घूम लिए हैं और बड़े ही उत्साह के साथ और बहुत दूर दूर से यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों इस नवरात्रि आप भी आइए माता के दर्शन के लिए। जय माता दी, जय कुदरगढ़ी माता की। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।